हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोनाकुल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स मैं बताऊंगा, तीन ट्रिक्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसके अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपके जो ट्रेडिंग के जो स्किल है वो इनहेंस हो जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर देन एक काम कीजिए ना, मेरा जो बिगिनर्स के लिए फ्री बेसिक कोर्स मैं जो देता हूँ, जो लाइव क्लास कर लेता हूँ, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। थोड़ा और ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा, मतलब वहाँ पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। बाय द वे, आज की जो तीन ट्रिक होगा ये ट्रेडिंग स्किल को एनहेंस करने वाली चीज़ है। सो कंप्लीट वीडियो को देखिए और अगर आपको लगता है ये परफेक्ट हुआ नहीं, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कंप्लीट वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तीन ट्रिक आप लोग सीखने वाले हो। सबसे पहली चीज भैया, सबसे पहली चीज ये होता है ना, आप पहले डिटरमाइन करो, फर्स्ट डिटरमाइन विच टाइप ऑफ ट्रेड यू वांट टू डू। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाई करोगे या सेल करोगे। प्राइस एक्शन में जो ट्रेडिंग होता है ना, टू टाइप्स के ट्रेडिंग होता है। एक रिवर्सल ट्रेडिंग होता है, प्राइस जब रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है उस मोमेंट पे ट्रेडिंग करना। दूसरे एक कॉन्टिन्यूएशन ट्रेडिंग होता है, मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है और आप भी बाई करोगे ऊपर जाएगा। कॉन्टिन्यूएशन एंड रिवर्सल दोनों ट्रेडिंग होता है। अब ये दोनों ट्रेडिंग में, रिवर्सल ट्रेडिंग में भी लोग फंस जाते हैं, कॉन्टिन्यूएशन ट्रेडिंग में भी प्राइस एक्शन में लोग फंस जाते हैं। एक सिग्निफिकेंट रैली हो गया उसके बाद बाई कर लिया, फिर कॉन्टिन्यूएशन नहीं होता है, फंस गया। रिवर्सल ट्रेडिंग में रिवर्सल होने से काफी पहले आर्ली ट्रेडिंग कर लेते हैं, शायद घूमेगा एक दो दिन में घूमेगा या इंट्राडे कर रहे 15-20 मिनट पे घूमेगा, बट उससे पहले क्या होते हैं उसके स्टॉप लॉस बैठ जाते हैं। तो हमारे जो ट्रेडिंग स्टाइल रिवर्सल जब ले रहा है, मतलब मैं पक्का हो गया, कॉन्फर्म हो गया मुझे क्या ट्रेडिंग करना है, रिवर्सल करना है या कॉन्फर्म कॉन्टिन्यूएशन ट्रेडिंग करना है, मैं अगर जानता हूं देन बाकी के पार्ट मुझे देखें। So, पहला ट्रिक, आप चार्ट को देखो। चार्ट पे देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि करंट सिनेरियो पे मुझे रिवर्सल ट्रेडिंग करना है या कॉन्टिन्यूएशन ट्रेडिंग करना है। उसके लिए आपको ट्रेंड फोकस करना जरूरी है, उसके लिए ट्रेंड की फोकस करना जरूरी है। मान लीजिए कि प्राइस और ट्रेंड अप ट्रेंड है, ट्रेंड अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड पे प्राइस आप नीचे आ रहा है, मुझे रिवर्सल ट्रेडिंग करना है। रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब ट्रेंड अप है, प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब आप फिर से वो ऊपर जाएगा, प्राइस ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। सो ये आपके रिवर्सल ट्रेडिंग है। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको इस पे यूज करना है। मैंने प्रीवियस किसी क्लास पे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखाया, वो पार्ट अप्लाई करेंगे। एक नंबर वन रिवर्सल ट्रेडिंग, नंबर टू कॉन्टिन्यूएशन ट्रेडिंग। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस और ट्रेंड आप और आप भी बाई करना चाहते हो। पिछले कुछ दिन में बहुत सारी एग्जांपल है कॉन्टिन्यूएशन ट्रेडिंग की। सो सबसे पहले देख लीजिए चार्ट पे, ये देखिए अच्छा मुझे कौन सी ट्रेडिंग करना है, रिवर्सल ट्रेडिंग करूंगा या मैं कॉन्टिन्यूएशन ट्रेडिंग करूंगा, चार्ट क्या बोल रहा है। उसके बाद आप क्या देखोगे, मान लीजिए आपको रिवर्सल ट्रेडिंग करना है या कॉन्टिन्यूएशन ट्रेडिंग करना है। सो सबसे पहले ये चीज है ना, फाइंड आउट कॉन्फ्यूजन इन प्राइस एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्फ्यूजन इन प्राइस एक्शन, प्राइस अब कॉन्फ्यूज करने लगा। देखिए मार्केट में कॉमन ट्रेडर्स कॉन्फ्यूज होता है, बट जो प्रोफेशनल होता है ना उसकी एम होता है। लोग कॉन्फ्यूजन हो रहे हैं, वो एम करके बैठे हैं, लोग कॉन्फ्यूजन कॉन्फ्यूज कॉन्फ्यूज कॉन्फ्यूज, बाई कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसे पता है कि मुझे अब पकड़ना है, वो उसके एम से ही है। सो प्राइस, प्राइस एक्शन में क्या होता है, रिवर्सल या कॉन्टिन्यूएशन के पहले ना कॉमन ट्रेडर्स को निकालने के लिए सबसे पहले कॉन्फ्यूज करते हैं। जब कॉन्फ्यूजन शुरू हो जाता है मार्केट में, अब आपको ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैक शुरू कीजिए, प्राइस में कॉन्फ्यूजन आ गया कैसे, मान लीजिए ये एक सीन है, बहुत बढ़िया आप ट्रेंड पे गया, बहुत बढ़िया प्राइस ऊपर भाग गया, आप कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड करना चाहते हो, प्राइस ऊपर भाग गया, तीन चार कैंडल भाग गया और उसके बाद आप क्या कर रहा है, वो कंफ्यूज कर रहे हैं, रेड ग्रीन छोटे मोटे कैंडल, रेड ग्रीन छोटे मोटे कैंडल, भाई कर क्या रहे हो, कंफ्यूज कुछ नहीं, कंफ्यूज कर रहा है सिर्फ, कॉमन ट्रेडर्स को सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। अब इसको फोकस करना शुरू करो, ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूजन होने दो।
होते होते कोई भी आप सिम्टम अगर मिल गया बाइंग के, आप जितने सारी बाइंग जानते हो, मान लो ऐसे चलते चलते किसी किसी को पता है वो मॉर्निंग स्टार एक बाइंग सिग्नल होता है, ठीक है, ऐसे होते होते कोई एक मॉर्निंग स्टार हो गया, भाई करो चलेगा। ऐसे चलते चलते मान लो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो गया, पहले कॉन्फ्यूज हो गया, कॉन्फ्यूजन के बाद साडन आपके मतलब प्रीवियस जो मैनर था उसके फेवर में आ गया। मैं यहाँ पे बाइंग की सिम्टम बताया कि बाइंग में कैसे होगा, कॉन्फ्यूज हो गया, पहले ऐसे कॉन्फ्यूजन किया, प्राइस ने कॉन्फ्यूजन किया इस लेवल पे, ये लेवल पे, ये जो लेवल है इस लेवल पे प्राइस ने बहुत कॉन्फ्यूजन किया। अब उसके बाद मान लो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है, वो मॉर्निंग स्टार हो सकता है, फिर आपके बहुत सारी जितनी सारी आप लोग बाइंग की स्ट्रैटेजी जानते हो, कोई हो गया लॉन्ग सीएमओ हो गया, सीएमओ के बड़े भाई हो गया, आप एंट्री कर लो मिलेगा, कॉन्फ्यूजन के बाद आपको एंट्री करना है, ये कॉन्फ्यूजन। या तो ऐसे भी हो सकता है, आप मान लो ये आपकी कॉन्टिन्यूएशन है, अब रिवर्सल पे आप लोग क्या देखोगे, रिवर्सल पे अब ऐसे आएगा, मान लीजिए प्राइस प्रायर ट्रेंड आप था, बट रिवर्सल जैसे हो रहा है, ये जगह को फिर से देखिए, रेड ग्रीन, अरे हो क्या रहा है, क्या कंफ्यूजन है, प्राइस कमिंग डाउन 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 डाउन, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, टॉप पे टेल बॉटम पे टेल, टॉप पे टेल बॉटम पे टेल, हो क्या रहा है, छोटी कैंडल, ये व्हाट इज दिस, कंफ्यूज कर रहा है। अब कंफ्यूज कौन हो रहा है, कॉमन ट्रेडर, वो कंफ्यूजन के मारे साइड हो जाएंगे, अब वहीं पे प्रोफेशनल ट्रेडर शुरू करेंगे, फटाफट प्राइस ऊपर से भागेगा, या सिमिलर प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते देख लो रेड ग्रीन टॉप पे टेल बॉटम पे टेल, टॉप पे टेल बॉटम पे टेल, लोग कंफ्यूज हो गए, भाई हो क्या रहा है। अब ये कंफ्यूजन के बाद ही हमें एंट्री मिलेगा। सो आपने डिटर्मिनेशन कर लिया अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, मुझे कॉन्टिन्यूएशन करना है या रिवर्सल करना है, कंटिन्यूएशन या रिवर्सल करनी, ये रिवर्सल की पार्ट है, और रिवर्सल पे आप देख रहे हो प्राइस कॉन्फ्यूज कर रहा है, ये कॉन्फ्यूशन होना जरूरी होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, प्राइस फटाफट ऊपर भाग गया, ठीक है, अब इसमें कोई कॉन्फ्यूशन नहीं है, जब नीचे आ रहा है डाउन मूव में कोई कॉन्फ्यूशन नहीं है, क्लियर डाउन है क्लियर डाउन है क्लियर डाउन है, यहां से ना रिवर्सल होना बहुत मुश्किल होता है, बट कॉन्फ्यूज करने दो, इस मोमेंटम जो आ रहा है, मेरी प्रायोर ट्रेंड ऑफ है, प्रायोर मोमेंटम ऑफ है, और अभी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, रेड ग्रीन दिस टाइप की सिचुएशन, रेड ग्रीन कंफ्यूजन शुरू हो गया, मतलब ये रिवर्सल टिकने वाली है। आप अगर प्राइस एक्शन करते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी एंट्री की टाइप आपको मिल गया, कोई भी एंट्री टाइप, तीन सिम्टम आपको उस पर चेक करना है, और वो तीन सिम्टम है ना, दो आपके फेवर में होनी चाहिए, कोई भी तीन अगर बाइंग का देखोगे, कोई भी तीन, तीन सिम्टम में से दो आपके फेवर में होना चाहिए, और अगर दो आपके फेवर में है वो एंट्री करेंगे। मान लीजिए कि प्रायोर ट्रेंड आपके आप है, और आप ट्रेंड पे प्राइस एक लॉन्ग सीएमओ बनाया, पहले कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन हो गया, एक लॉन्ग सीएमओ बनाया, लॉन्ग सीएमओ बनाया तो ये एक सिम्टम है, अब उस पे क्या देख रहे हो, कंफ्यूजन है, अब तीन सिम्टम देखने हैं, कंफ्यूजन है, साथ में आप देख रहे हो कि सामने कोई डिमांड है या निफ्टी आपके साथ में है, एंड एक देख रहे हो कि छोटी सी जब आ रहा था यहाँ पे बिग एक रेड कैंडल है, बिग रेड कैंडल क्या है, बियरिश सिम्टम है, लॉन्ग सीएमओ क्या है, एक बुलिश सिम्टम है, सामने डिमांड है एक बुलिश सिम्टम है, ये टिकेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत ही आराम से आप लोग समझ जाएंगे कि क्या है, मैं चलिए आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये निफ्टी के चार्ट है, मैंने आप लोगों को लॉन्ग सीएमओ सिखाया, देखिए यहां पे एक लॉन्ग सीएमओ क्रिएट है और वो पैसा नहीं दिया टूट गया, दूसरे यहां पे एक लॉन्ग सीएमओ है पैसा दे दिया ऊपर भाग गया, दोनों में फर्क, ऐसे फर्क क्यों हुआ, ये क्यों टूटा, आप अगर मुझे पूछोगे कि ये क्यों टूट गया, सबसे पहली बात ये होता है कि आउटसाइड गैप डाउन के बाद जो वेरी इमीडिएट बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है वो इनवैलिड होता है, मतलब आपने एक इनवैलिड लॉन्ग सीएमओ आइडेंटिफाई किया, ये सिर्फ लॉन्ग सीएमओ के लिए नहीं है, किसी भी ट्रेडिंग में एप्लीकेबल है, आउटसाइड गैप डाउन होने के बाद
आप जो जानते हो, मॉर्निंग स्टार हो गया, मॉर्निंग दोजी स्टार हो गया, पियर्सिंग लाइन हो गया, कैंडलस्टिक के प्राइस एक्शन, जो कुछ भी आप बोलो जो जानते हो, आउटसाइड गैप डाउन के बाद वो हो गया, वो इनवैलिड होता है। सो ये आपके नंबर वन क्या है, आउटसाइड गैप डाउन ओपनिंग एक सेलिंग सिग्नल, आउट एंड लॉन्ग सीएमओ एक बाइंग सिग्नल, वन सेलिंग प्लस वन बाइंग इक्वल्स टू न्यूट्रल। प्राइस ऊपर कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कोई दूसरी सीन है क्या आपके पास? आप अगर बोलोगे सर जी यहां पे डिमांड था, बिल्कुल नहीं था, इसके राइट आर्म बिगर नहीं था, तो इसे आप डिमांड नहीं बोलोगे। आप अगर इसको देखोगे क्या है, इस पे भी आउटसाइड गैप डाउन है। अच्छा, तो एक एक सेलिंग सिग्नल, एक बाइंग सिग्नल न्यूट्रल, दूसरे क्या है, मैं चार्ट को वीकली में लेके जा रहा हूं, आप लोग देखिए क्या चीज है। वीकली में जाएंगे तो वीकली में आपको क्या चले क्या आएगा पता है, वीकली में जस्ट मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये एक डिमांड था, वीकली में एक डिमांड था ऐसे जगह में, ये मैं मार्किंग कर दिया। अच्छा सॉरी, ये मेरी वीकली की डिमांड है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं आ रहा है, ओके ठीक है, ये मेरी वीकली की डिमांड है। अब फिर से मैं एक बार डेली में जा रहा हूं, देखिए वीकली के वो डिमांड पे ये सीएमओ हो गया, मतलब आपके पास क्या है, एक सेल सिग्नल, लॉन्ग सीएमओ बाय सिग्नल, डिमांड एक बाय सिग्नल, तीन सिनारियो, वन सेलिंग टू बाइंग आपके फेवर में गया। मैं अगर तीसरी चीज इसमें दिखाता हूं, बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम तीन देखेंगे, मैं फिर भी तीसरी डाल रहा हूं, आप आरएसआई डालकर देखिए क्या मिलेगा आपको। देखिए क्या मिला है, प्राइस मेकिंग लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो, कॉन्वेंशनल भी आप इसके साथ प्राइस एक्शन पे जोड़ दिया, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। आपके पास क्या है, तीन बुलिश सिम्टम, नंबर वन सीएमओ, नंबर टू डिमांड जोन, नंबर थ्री पॉजिटिव डाइवर्जेंस, एक बेयरिश सिम्टम आउटसाइड कैप डाउन ओपनिंग, क्या हो गया, प्राइस भाग गया। तीन मिनिमम देखना है, चार मैक्सिमम देख सकते हो, रिकमेंडेड नहीं है, तीन मोर देन इनफ, तीन देखिए, उनमें से दो आपके फेवर में है, आप एंट्री करोगे इमीडिएट भागेगा। प्राइस एक्शन में ये तीन ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए एंड आप देखेंगे, आप एंट्री करेंगे, फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा कि अरे फालतू का ट्रेड हो गया, आप एंट्री करोगे प्राइस आपके फेवर में जाना शुरू करेगा, दैट्स इट। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा है ये वीडियो, एक लाइक कीजिए, एक कमेंट भी कीजिए, एंड आप लोग आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये शेयर भी कर लीजिए, एंड आप अगर मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आप लोगों को बहुत बड़ी एडुकेशन, स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत बड़ी एडुकेशन आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए।